हाय गाइस और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शेविंग वर्सेस इपिलिएटिंग की वीडियो। तो गाइस मैंने इपिलिएटर पर बहुत सारे वीडियोस बनाई है और कंपैरिजन के वीडियोस भी बहुत बनाई है, जैसे कि वैक्सिंग वर्सेस शेविंग, वैक्सिंग वर्सेस इपिलिएटिंग। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे रोज नए हेयर केयर स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यूज वीडियोज आपके लिए लाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइसिंग। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं शेविंग की प्राइस। अगर पर मंथ का कॉस्ट निकालें तो शेविंग के लिए हमें सिर्फ 200 रुपये लगते हैं, और अगर हम इपिलिएटिंग का कॉस्ट निकालें तो इपिलिएटिंग एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए हमें एक बार अगर हमने 3-4 थाउजेंड इन्वेस्ट कर दिए तो वो लाइफ टाइम बन जाएगा। इसलिए अगर इसमें प्राइसिंग की अगर बात करें तो विनर इपिलिएटर है, क्योंकि इपिलिएटर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और शेविंग के लिए हमें रेजर चेंज करना पड़ता है हर महीने में। सो अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्राइस के हिसाब से विनर है इपिलिएटर। तो अब नंबर 2 पर आता है पेनफुल हेयर रिमूवल मेथड। तो गाइस हमें सभी को पता है कि शेविंग हेयर रिमूवल जो मेथड है वो पेनलेस है गाइस, इसमें कोई भी हमें पेन नहीं होता, क्योंकि हम रूट से हेयर्स नहीं निकालते, हमें सिर्फ ऊपर के लेयर के जो हेयर्स होते हैं वो हम निकालते। लेकिन अगर इपिलिएट की बात करें तो इपिलिएटर ऑब्वियसली पेनफुल है गाइस, इसलिए अगर पेन की बात करें तो इसका विनर है शेविंग। तो नंबर 3 आता है टाइमिंग। तो गाइस अगर शेविंग की टाइम देखें तो शेविंग हम 15-20 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इपिलिएटर की बात करें तो इपिलिएटर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें बहुत ही धीरे से अपने हेयर को रूट से निकालना पड़ता है और थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए इपिलिएटर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू शेविंग। सो अगर टाइमिंग की बात करें तो शेविंग अगेन टाइमिंग के हिसाब से हमारा विनर है। तो गाइस अगर शेविंग की बात करें तो हम रेजर कहीं पर भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं कहीं। तो नंबर 5 है रिजल्ट्स। तो गाइस अब हम देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट्स क्या है इन दोनों के। तो गाइस अगर शेविंग की बात करें तो शेविंग हमारा जो हेयर रिमूवल मेथड है वो हमारे हेयर्स को रूट से नहीं निकालता, इसलिए वो एक पेनलेस हेयर रिमूवल मेथड है। सेम अगर इपिलिएटर की बात करें तो इपिलिएटर हेयर्स को रूट से निकालता है, इसलिए अगर हम इपिलिएटर से इपिलिएटर हेयर रिमूवल मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर्स 15-20 डेज तक नहीं आएंगे। लेकिन अगर शेविंग की बात करें तो शेविंग में 2-3 दिन के बाद ऑलमोस्ट सेकेंड डे ही हमारा न्यू हेयर ग्रो होना स्टार्ट करता है, और इसलिए हमें हर बार 2-3 डेज में शेविंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर इपिलिएटर्स की बात करें तो इपिलिएटर हमें 15-20 डेज तक चल जाता है, वो आपके हेयर ग्रोथ पर डिपेंड है, मोर देन दैट भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 15-20 डेज तक ये प्रोसेस चल जाती है, नया बाल उगने के लिए उतना टाइम लगता है। सो गाइस अगर रिजल्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इपिलिएटर के है एज कम्पेयर टू शेविंग। मुझे ऐसा लगता है कि इपिलिएटर कन्वीनियंट है गाइस, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए हो तो इपिलिएटर बेस्ट है एज कम्पेयर टू शेविंग। आपको हर दूसरे दिन शेविंग करना पड़ता है, लेकिन आपको हर दूसरे दिन इपिलिएटर नहीं करना पड़ता, 15-20 डेज में हम एक बार करेंगे एंड दैट्स इट। सो अगर रिजल्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली हमारा विनर है इपिलिएटर। तो गाइस ये थी मेरी आज की कंपैरिजन की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।